तो रुक करते खबरों को। और जहां महुआ में एमकेएन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, सरकारी जमीन पर कथित है बीजेपी नेता द्वारा कब्जा कर दुकानों के निर्माण में आखिरकार आज सीएम योगी का बुलडोजर गरजा है। एसएम के निर्देश पर अवैध कब्जे को तहसीलदार ने बुलडोजर से हटवाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से सत्ता की हनक पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन ने सख्त हिदायत देते हुए दोबारा कब्जा करने पर मुकदमा लिखने की बात कही है। भू माफियाओं पर सीएम योगी का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बीते दिनों महोबा शहर में एक कथित बीजेपी नेता और नील संचालक द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानों के निर्माण की खबर एमके न्यूज ने प्रसारित की थी, जिस पर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने मौके पर जांच टीम भेजकर जाना पड़ा कि चरखारी बाईपास रोड में दाल मिल के पास जमीन सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा हो रहा है। इस मामले में आखिरकार अब सीएम योगी का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन पर सत्ता के लोगों पर कार्रवाई न करने के आरोप के बीच खुद सीएम सदर ने हुए अवैध कब्जे को हटाए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद तहसीलदार बालकृष्ण सिंह बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचकर देखते ही देखते सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटा दिया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारी कोई भी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ये मिल के बाहर चबूतरा बना के आगे थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा था, मना किया गया था, हटाया नहीं गया है, उसकी वजह से आज पूरा इसको चबूतरे को हटवा दिया गया है। कौन था सर कब्जाधारक, क्या कार्रवाई इसके खिलाफ की गई? कब्जा मार धारक है ये दाल मिल वाले हैं, उनके खिलाफ ये पूरा हटा दिया गया अवैध कब्जा। हटाने के साथ साथ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा? अगर दोबारा से जैसे ही अगर करेंगे फिर से दोबारा अगर ये कब्जा करने की कोशिश करेंगे मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाएगा।